हमारे चैनल में वापस स्वागत है। आज हम खाद्य वितरण ऐप्स, विशेष रूप से जोमेटो और स्विगी की दुनिया में गहराई से गोता लगा रहे हैं, ताकि वे कुछ चुनौतियों का सामना कर सके और खाद्य प्रौद्योगिकी के भविष्य का पता लगा सके। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम इन प्लेटफॉर्मों के अंधेरे पक्ष का अनावरण करते हैं और चर्चा करते हैं कि आगे क्या है। आए शुरू करें। जोमेटो और स्विगी ने निस्संदेह हमारे भोजन के ऑर्डर करने के तरीके को बदल दिया है, सुविधा प्रदान की है और हमारी उंगलियों पर पाक विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश की है। हालांकि पर्दे के पीछे कुछ गहरे पहलू हैं जिन्हें हमें संबोधित करने की आवश्यकता है। एक प्रमुख चिंता वितरण भागीदारों की कार्य स्थितियों और वेतन के इर्द गिर्द घूमती है। जबकि खाद्य वितरण ऐप लचीले कमाई के अवसर प्रदान करते हैं, इन आवश्यक श्रमिकों के लिए अनुचित व्यवहार, कम मजदूरी और अपर्याप्त समर्थन के उदाहरण हैं। खाद्य प्रौद्योगिकी के भविष्य के लिए उनकी भलाई और उचित उपचार सुनिश्चित करना प्राथमिकता होनी चाहिए। एक और चुनौती स्थानीय रेस्तरां पर पड़ने वाले प्रभाव की है। जबकि खाद्य वितरण ऐप छोटे व्यवसायों को बड़े दर्शकों तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं, वे कमीशन शुल्क और तीव्र प्रतिस्पर्धा के साथ भी आते हैं। ये रेस्तरां के लिए लाभ मार्जिन को कम कर सकता है और एक ऐसा वातावरण बना सकता है जहां केवल लोकप्रिय या उच्च मात्रा वाले प्रतिष्ठान ही फलते फूलते हैं। गोपनीयता संबंधी चिंताएं भी खेल में आती हैं। खाद्य वितरण एप्लीकेशन व्यक्तिगत जानकारी और आदेश देने की आदतों सहित बड़ी मात्रा में उपयोगकर्ता डेटा एकत्र करते हैं। उपयोगकर्ता की गोपनीयता की रक्षा करने और इन प्लेटफॉर्मों में विश्वास बनाए रखने के लिए इस डेटा की सुरक्षित हैंडलिंग सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं खाद्य प्रौद्योगिकी के भविष्य की। चुनौतियों के बावजूद इस स्पेस में सकारात्मक बदलाव और इनोवेशन के मौके हैं। फोकस का एक क्षेत्र स्थिरता है। जैसे जैसे पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ती है, वैसे वैसे अधिक पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं के लिए जोर दिया जाता है। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करना, टिकाऊ पैकेजिंग को बढ़ावा देना और सामग्री के जिम्मेदार सोर्सिंग को प्रोत्साहित करना शामिल है। तकनीकी प्रगति भी वादा रखती है। वितरण प्रणाली में सुधार जैसे स्वायत्त वाहन और ड्रोन दक्षता बढ़ा सकते हैं और पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसके अलावा संपर्क रहित डिलीवरी और स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम के विकल्प तलाशने से समग्र ग्राहक अनुभव में वृद्धि हो सकती है। इसके अतिरिक्त खाद्य वितरण ऐप सामाजिक उत्तरदायित्व में एक भूमिका निभा सकते हैं। वितरण भागीदारों के लिए प्रशिक्षण और समर्थन में निवेश करके स्थानीय समुदायों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने और भोजन की बर्बादी और भूख को दूर करने वाली पहलों का समर्थन करके ये प्लेटफॉर्म सिर्फ सुविधा से परे सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। जैसा कि हम जोमेटो और स्विगी जैसे खाद्य वितरण ऐप्स की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, उनके सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करना और भविष्य की कल्पना करना आवश्यक है जहां प्रौद्योगिकी, स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारी सह अस्तित्व में है। इन प्लेटफॉर्मों के अंधेरे पक्ष को संबोधित करके और अभिनव समाधानों को अपनाकर हम अधिक समावेशी, निष्पक्ष और जिम्मेदार खाद्य प्रौद्योगिकी परिदृश्य को आकार दे सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक बोन एपिटेट और भोजन के भविष्य की खोज करते रहें।